हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फ्री लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, देख लेते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है उनके, ठीक है, उनकी लेट नाइट एनर्जीज क्या है, तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है। एंड गाइस, इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज अभी आपके लिए क्या है। ओके, मतलब उनके लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। लेट्स सी, क्यों यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट्स सी, सबसे पहले है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी। यहां पर है एनवी, वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, थर्ड चक्रा आर्के एंजल सैम्यूल। ओके, केयरिंग कनेक्शन, एंजाइटी, अटैचमेंट, द थिंकिंग मैन, एंजल ऑफ लव, डोर टू स्प्रिट। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। नंबर सेवन, नंबर टू एंड नंबर ट्वेल्व, नंबर थ्री, नंबर नाइन, नंबर थर्टीन, नंबर सिक्स, नंबर फाइव, नंबर एटीन एंड नंबर नाइन एंड नंबर फोर्टीन, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं गाइस, ठीक है। ये कुछ खास, कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो सबसे पहला है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्लैरिफिकेशन, टेन ऑफ वॉन्स, ओके, एंड यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो ये जो कार्ड है, अगर आप देखोगे यू नो नंबर 34 का ये कार्ड है, 3 and 4 7, ओके, और नंबर 7 किसका होता है? नंबर 7 होता है केतु का। ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एक दरवाज़ा ओपन हो रहा है, क्योंकि ओपन दरवाजे की पिक है यहाँ पर। तो एक डोर है जिसमें हीलिंग भी है और हैप्पीनेस भी है, जो कि ओपन हो रहा है, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर 7 का कार्ड है, जो कि केतु, जिसको यू नो रूल कर रहा है नंबर 7 को। केतु क्या करता है? केतु बेसिकली चीज़ों से डिटैच करता है, ठीक है। केतु जो है डिटैच भी करेगा और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने में भी केतु बहुत हेल्प करता है, ठीक है। जिनका केतु बहुत स्ट्रांग होता है, वो इंसान ना बहुत डीप एनालाइज करने में बिलीव करते होंगे, या उनकी ये चीज़ होती होगी, जो नंबर 7 से भी रूल होते हैं ना, उनकी भी एक आदत होगी कि मतलब बहुत डीप हर चीज़ को एनालाइज करना, ओके, एंड कहीं ना कहीं डिटैच होना कुछ चीज़ों से। हर इंसान की देखो अलग अलग स्थिति होती है, वो आपकी
प्रॉपर कुंडली से पता चलेगी। लेकिन मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी जो कि बताती है बर्डन को, जो कि बताती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, एंड ये कार्ड क्या बता रहा है, हीलिंग एंड हैप्पीनेस को। अब कोई भी इंसान अगर इतना बर्डन में रहेगा तो वो खुशी तो भूल जाओ आप, टेंशन और थकान और एन्जाइटी ये चीज़ रहेगी, तो किसी भी तरीके की यू नो यहाँ पर हीलिंग एनर्जी भी है। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपके जो पर्सन है ना वो अभी रेस्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो चाहते हैं कि उनके लिए अब ऐसा टाइम आए, ऐसा डोर ओपन हो उनके लिए, या फिर ऐसी चीज़ें हों कि उनको थोड़ा रेस्ट मिले, एंड थोड़ा वो खुश होना चाहते हैं, थोड़ा हैप्पी होना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले दब गए हैं वो, आप ये कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने उनको दबा दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। यहाँ तो यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्स, लाइक यू नो ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑलरेडी बहुत टेंशन है, ऑलरेडी बहुत बर्डन है, और अब और ज़्यादा बर्डन, और ज़्यादा टेंशन, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में अब जो है थोड़ा रेस्ट आ जाए, थोड़ी सी खुशियाँ आ जाए, थोड़ा जॉय आ जाए, थोड़ा इन्जॉयमेंट आ जाए, कि वो इन्जॉय कर सके, जॉय कर सके, हैप्पी रह सके। तो अभी बेसिकली वो एक रेस्ट मोड पे जाना चाहते हैं, वो खुश रहना चाहते हैं, वो अभी आप ये कह सकते हो कि अपने लिए हीलिंग चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्स जो है वो फायर एलिमेंट का कार्ड है, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मेसिंग और धनु राशि को ये रिप्रेजेंट करता है। एनवी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एनवी एनवी ओके डेविल, एनवी की एनर्जी को डेविल का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब पता है क्या है, और बॉटम ऑफ द डेक से भी देख लो आप, टू ऑफ कप्स है, एनवी जेलसी को रिप्रेजेंट करता है। एनवी का कार्ड ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो लोग दूसरों की खुशी देख के जलते हैं, दूसरों की ग्रोथ देख के जलते हैं, दूसरे के पास खुशियां हैं तो उसको देख के जलेंगे, किसी के पास अगर प्यार करने वाला पार्टनर है तो वो उससे जलेंगे, एंड ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में डेफिनेटली हैं, और ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में भी हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में सडनली चीज़ें ख़राब हुई होंगी फॉर शो, अच्छे चलते चलते सडनली जैसे कि किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई हो, क्योंकि वो मुझे दिखाई देता है कि आपके रिलेशनशिप को ना किसी की बहुत बुरी नज़र डेफिनेटली लगी है गाइस, क्योंकि डेविल का कार्ड एनवी के साथ आया, जो कि ये बताता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप से बहुत लोग ईर्ष्या करते हैं, बहुत लोग जलते हैं, उनको फूटी आँख नहीं सुहाता आपका रिलेशनशिप, आपका प्यार, आप दोनों के प्यार को देख के उनको आग लगती है, उनको जलन मचती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरे की चीज़ों पर हाय डालते हैं, you know, मुझे तो दिखाई देते हैं ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में भी प्रेजेंट हैं और आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी प्रेजेंट है। और ये कार्ड बताता है कि नज़र आपके रिश्ते को डेफिनेटली लगी है, और आपके रिश्ते को भी एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ओके, प्रोटेक्शन के लिए कोई बहुत तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, प्रे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आर्ग्यूमेंट से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अगर आर्ग्यूमेंट की स्थिति बनती है तो चीज़ों को टालो, लेट गो करो, फिर थोड़ी देर बाद बात करो, बट आर्ग्यूमेंट मत करो, बिकॉज मुझे दिखाई देता है कि आपके रिश्ते से बहुत सारे लोग जल रहे हैं, बहुत लोगों की नज़र भी लगी है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप की ग्रोथ है ना, उसको लोगों की हाय ने, लोगों की बुरी नज़र ने कहीं ना कहीं बांध दिया है, ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया है। आई फील कि आपको रेमेडी करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि ये नज़र लगी है इस रिलेशनशिप को फॉर शो, तो नज़र
यू नो एक तरीके से ब्लॉकेज ही है, तो उसकी रेमेडी करनी पड़ सकती है. फुल मून रिचुअल्स डेफिनेटली करें रिलेशनशिप के लिए, एंड प्रेयर्स तो डेफिनेटली करें. ठीक है, प्रेयर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी मुझे दिखाई देते कि ऐसे लोग हैं आपके और उनके इन्वायरमेंट में, जो कि और आपको मालूम भी होगा. और यहाँ पर आप देखो टू ऑफ कप्स, लाइक यू नो एक रिलेशनशिप, एक प्यारा सा रिलेशनशिप जिसको ख़राब किया गया है कुछ ऐसे लोगों द्वारा जो ईर्ष्या करते हैं आपके रिश्ते से. ओके, अभी ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इतना ईर्ष्या करते हैं कि उन्होंने आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का दिया या बहका दिया, उनके कान भर दिए, नेगेटिव आपके लिए उनको कर दिया गया. ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे क्योंकि डेविल का कार्ड है तो सेक्सुअल अट्रैक्शन को बताता है, फिजिकल अट्रैक्शन को बताता है. डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आपके पार्टनर से फिजिकली या सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे उनकी तरफ, और उनको मतलब एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी. तो उनको पाने के चक्कर में हो सकता है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी की, जैसे वशीकरण हो जाता है या फिर किसी वाइट एंड ब्लैक, वाइट तो देखो वाइट मैजिक वो होता है जिसका हम अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी के बुरे के लिए जो इस्तेमाल करते वही वाइट मैजिक ब्लैक मैजिक बन जाता है. तो वही मुझे दिखाई देता है कि जैसे कि किसी ने लाइक यू नो लगा रखा है कुछ ना कुछ नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव टर्म में है. ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा मुझे ज़रूर दिखाई देता है कि ऐसा है कुछ. ओके, नाउ मूव करते, नेक्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस, और ये कैप्रिकॉन साइन है, मकर राशि का साइन है. ठीक है, मकर राशि या एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. एंजल ऑफ बैलेंस यहां पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स. देखिए आपके जो पार्टनर है ना, मैं एक चीज बता सकती हूँ आपको कि आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में बिल्कुल भी कोई बैलेंस नहीं है, किसी भी तरीके का बैलेंस मैं उनकी ज़िंदगी में अभी नहीं देख रही हूँ. ठीक है, बल्कि मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और इतने हद तक के परेशान हैं कि अगर आप उनसे अपनी फीलिंग लव शव के बारे में बात करोगे ना, कि प्यार के बारे में बात कर रहे हो, इमोशंस के बारे में बात कर रहे हो, 100% मैं कह सकती हूँ आपके पार्टनर नहीं समझेंगे इस चीज़ को. आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आप क्या कहने की कोशिश करो, नहीं समझेंगे. और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने बात करके भी देख लिया होगा, वो बहुत ही अजीब रिएक्ट कर रहे होंगे. वो अभी ऐसी कंडीशन में है गाइस, वो नहीं समझ सकते इस प्यार को. आप कुछ भी ऑफर करोगे वो उसको पॉजिटिवली नहीं लेंगे, आप कोई भी एक्शन लोगे उसको पॉजिटिवली नहीं लेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा परेशान है अभी, और इनकी लाइफ में बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है. एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड डेफिनेटली है, लेकिन नाइन ऑफ वॉन्स उसको कंफर्म करता है, उसको क्लियर करता है कि जो बैलेंस की ज़रूरत है ना ज़िंदगी में वो बैलेंस नहीं है. बट एंजल ऑफ बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है कि एंजल्स पूरा ट्राई कर रही हैं कि आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस बना ले. जो यूनिवर्स, जो डिवाइन एनर्जीज हैं वो डेफिनेटली उनको गाइड करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना ले. देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम सबको ना जब भी हमारी लाइफ में बुरा वक्त आता है ना, तो यूनिवर्स किसी ना किसी रूप में हमें गाइड करते हैं, बट डिपेंड करता है कि हम कितना उनको सुन पाते. तभी कहते हैं बुरे वक्त में ना आप भगवान के आगे हाथ जोड़ लो. ठीक है, भगवान की शरण में चले जाओ, जिन भी ईश्वर को आप मानते हो उनके शरण में चले जाओ और शांत हो जाओ. बिल्कुल कोई भी रिएक्शन नहीं करना है आपने, एकदम शांत होकर के बैठना है. वो क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब यूनिवर्स साइन देते ना, तो उनको समझने के लिए वो आपका पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो एंजल्स ट्राई कर रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने का, लेकिन यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी बैलेंस तो नहीं है. आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं. एक्चुअली नाइन ऑफ वॉन्स ऑल्सो रिप्रेजेंट करते कार्मिक लोगों को, और यहाँ पर डेविल का कार्ड भी है जो कि रिप्रेजेंट करते कार्मिक लोगों को. कार्मिक लोग इनके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दूँ. ठीक है, बहुत कार्मिक लोग हैं भाई इनके आसपास. ऑलराइट, ये फायर एलिमेंट है,
एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। मूव करते नेक्स्ट है ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, क्लैरिफाई ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम से है द एम्परर। अभी आपके पार्टनर अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, उनके लिए अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जिस तरीके की पर्सनालिटी है और वो जिस तरीके के पर्सन है, उनकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी का रहना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं अभी देखूँ ना, देखो एक और चीज़ दिखाई देती है कि यहाँ पर दी एम्परर की एनर्जी। आपके पार्टनर ना बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है भाई, मतलब बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट ये रखते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पैसा मैं कहूँगी इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, या किसी पोजीशन पर पहुँचना इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनके रूड एंड एरोगेंट एंड एग्रेसिव और प्रैक्टिकल बिहेवियर के कारण ही आप दोनों के रिश्ते में भी टावर मोमेंट आया है, कि इन्होंने बहुत ही रूड बिहेव किया है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के लिए ना सबसे ज़्यादा अबेंडेंस क्या है, उनके लिए अबेंडेंस है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी एंड जीवन में, ज़िंदगी में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का आना। अगर ये बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ग्रोथ, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर ये जॉब करते हैं तो प्रमोशन चाहिए इनको और एक ओहदे पर इनको पहुंचना है। और पैसे भाई इनके लिए अबंडेंस का काम करते हैं, मतलब इनके लिए अबंडेंस है। देखो आपके लिए हो सकता है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो जाए, ये एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस है आपके लिए, बट इनके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस है पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, ओके, और एक पोजीशन, एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन। तो मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के लिए पैसा एंड ऑल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और उसके आगे इस पर्सन को कुछ दिखाई भी नहीं देता। एम्परर एनर्जी भी है यहाँ पर, सो या मुझे लगता है कि पहले भी ये बहुत बिज़ी का ही आपसे जो है बोला करते थे, और पहले भी आपसे ज़्यादा इनका ध्यान अपने पैसे पर, अपने काम पर, अपने बिजनेस पर रहता था, जो आप डिज़र्व करते थे, जो केयर, जो लव एंड जो चीज़ें, जो प्यार आप डिज़र्व करते थे, वो इन्होंने दिया ही नहीं। इनको अपने आप से ही फुर्सत नहीं मिली, ये अपनी प्रैक्टिकल एनर्जीज में इतना चले गए कि इनको आपके लिए टाइम ही नहीं मिला, आपको टाइम ही नहीं दे पाया। और कब ये रिश्ता एक टावर मोमेंट की तरफ चला गया पता ही नहीं चला। तो या मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन है, आप उनको इमोशनल पर्सन मिल गए और वो हैं एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन। ऊपर से ये कार्मिक लोगों की भी एंट्री हो गई है, ये कार्मिक जो लोग हैं ये और चीज़ों को गड़बड़ कर रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पर अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या, मकर राशि। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास थर्ड चक्रा का कार्ड है, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल सैमुएल। थर्ड चक्रा की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थर्ड चक्रा, सिक्स ऑफ कप्स, वाओ, सिक्स ऑफ कप्स और वहां पर है, ओके, तो यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स एक बहुत ही अच्छी एनर्जी को लिए हुए हैं, ओके, और मैं ये कहूँगी कि नो डाउट कि आपके पार्टनर आपको, लाइक यू नो, मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं। बेशक वो प्रैक्टिकल हैं, बेशक वो, उनके लिए पैसे, ओहदा, नेम, फेम, रुतबा बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और अभी तो बिल्कुल ही यू नो उनका कोई आपसे वो नहीं है, और ना वो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, ठीक है, बट फिर भी कहूँगी कि आपको पसंद करते हैं। साथ ही साथ आपके साथ बिताया हुआ वक्त अभी ये बहुत याद कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बोल सकती हूँ। जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया था ना, इस ये पर्सन उस टाइम को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं,
उस टाइम को बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन जो है याद करता है, एंड हर चीज़ याद है, हर चीज़, यस हर चीज़, ऐसा नहीं है कि कुछ भूल गए हैं, नहीं, इनके जहन में सारी चीज़ें, इनके दिमाग में सारी चीज़ें हैं, ये बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, वो अलग है, बट मुझे ऐसा ज़रूर दिखाई देता है कि पर्सन ना लव वगैरह की एनर्जीज़ को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहते, लाइक यू नो, ये चाहते हैं कि ठीक है वो एक अपने स्तर तक रहे, मुझे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना करें, तो वो चीज़ें हैं इनकी, इनके एनर्जी में, ओके हाँ, ये पसंद करते हैं आप इनके दिमाग में भी हो, लेकिन ये इनको लगते हैं कि लव एंड रिलेशनशिप एंड ऑल ये डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओके तो इनका ये है कि ठीक है उस पर भी काम किया जाएगा, लेकिन पहले जो इम्पोर्टेंट है उससे भी ज़्यादा उसको कर ले, तो ऑफकोर्स इनका यही है कि यू नो, जो पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले उसको ख़त्म करते, देन बाकी का बाद में सोचेंगे, ओके वाटर एलिमेंट का कार्ड है कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस कर्क मीन और वृश्चिक राशि, केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, केयरिंग कनेक्शन, ओके नाइस, इट्स ब्यूटिफुल कार्ड, केयरिंग कनेक्शन और यहाँ पर एस ऑफ वन, ओके एस ऑफ वन क्या बताता है ये तो आप सब लोग जानते हो, एस ऑफ वन लाइक अ न्यू बिगिनिंग एंड उसके साथ केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आ गया, तो दोनों कॉम्बिनेशन कितना सुंदर हो गया, मतलब ये कार्ड पता है क्या बताता है, ये कार्ड बताता है कि हाँ आज चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आगे फ्यूचर मुझे बड़ा ही सुंदर दिख रहा है आप दोनों का, सुंदर लाइक आप दोनों के कनेक्शन में प्यार होगा, मोहब्बत होगी, केयर होगी, पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा, तो सब कुछ दिखाई देता है, केयरिंग कनेक्शन, ऑफकोर्स ये कनेक्शन में बदलाव आएंगे भाई, डेफिनेटली नंबर 5 का कार्ड है आपको बता दूँ, नंबर 14 यानी कि 5 नंबर चेंजेस को भी बताता है, मर्क्यूरी की एनर्जी है, डेफिनेटली आपके पार्टनर का माइंडसेट बहुत जल्दी बदलेगा एंड वो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे और आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी और वो नई शुरुआत बताती है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो ग्रो करेगा, क्योंकि ये कार्ड ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है, ग्रो करेगा आप दोनों के बीच में, अट्रैक्शन, पैशन, लव एंड केयर ये भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है और ये कार्ड ये भी बताता है कि डे बाय डे ना आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं, मतलब ये इनकी बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी आई है, मैं आपको बता दूँ, बहुत प्रैक्टिकल ये सोचते हैं, लेकिन डे बाय डे आपकी तरफ इनका झुकाव बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, ओके फायर एलिमेंट है, ओके एंजाइटी, एंजाइटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, और एक और चीज़ बता देती हूँ, आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए, ठीक है, आपसे बात करना बंद कर दिया, क्यों वो आपकी तरफ आएंगे, क्यों आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, रीज़न बताती हूँ, रीज़न ये है वो पता क्यों आएंगे, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके होंगे कि उनको आपकी ज़रूरत है और जितना आप उनको केयर करते हो और जितने प्यार से आप उनको संभालते हो ना, कोई और नहीं कर सकता और ना उनको मिलेगी, मतलब उनको ना वो चाहिए होगा, कहते हैं ना ज़िंदगी में हर चीज़ चाहिए, तो इंसान को हर चीज़ चाहिए, तो उनको वो लव आपसे चाहिए होगा, तो डेफिनेटली पर्सन जो है आपकी तरफ लौट करके आएंगे आपके प्यार के लिए, आपकी केयर के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको कहीं और से नहीं मिलेगी, इसलिए एंजाइटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, लेट्स सी एंजाइटी क्लैरिफाई करते हैं, एंजाइटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं हमारा 2 of Cups का कार्ड, विच इज गुड, यहाँ पर 4 of Swords है, क्या बोलूँ अब मैं, ओके सो जो वो एनर्जी थी उसका बिल्कुल अपोजिट एनर्जी, अब आप देखो यहाँ पर एंजाइटी में है आपके पार्टनर, किस चीज़ को लेकर के एंजाइटी में है, इस रिलेशनशिप को लेकर के एंजाइटी में, बहुत सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन यहाँ पर वो बहुत इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं, अपने विचारों में फंसे हुए हैं, अपने थॉट्स में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हैं वो, ओके बट मुझे ज़रूर दिखाई देता है कि उनको इस रिश्ते की और आपकी टेंशन होती है,
वो आएंगे आपकी तरफ, ठीक है, लेकिन तब तक नहीं आएंगे जब तक उनका माइंडसेट एकदम क्लियर नहीं हो जाएगा हर चीज़ को लेकर के। अभी तो वो अपनी लाइफ में ही बहुत बुरी तरीके से फंसे, और जब तक वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाते तब तक तो पॉसिबल नहीं है उनका आना। लेकिन मुझे ज़रूर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आएंगे, लेकिन तब तक नहीं आएंगे जब तक उनका माइंडसेट क्लियर नहीं हो जाता। एंड आप ये इससे अच्छी और क्या बात है कि उनको आपकी फिक्र होती है, उनको इस रिलेशनशिप की फिक्र होती है, बिल्कुल उनको फिक्र हो रही है भाई, ठीक है, उनको फिक्र हो रही है इस रिलेशनशिप की, उनको फिक्र हो रही है आपकी। थ्री ऑफ कप्स, उनको डर भी लग रहा है कि कहीं आपके ज़िंदगी में कोई और पर्सन तो नहीं आ जाएगा, या कहीं कोई और पर्सन तो नहीं आ गया। डेफिनेटली टू ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर बहुत। अभी तो देखो मैं कहूँगी कि अभी माइंडसेट क्लियर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये भी है, ये भी बर्डन एंड ऑल, यू नो, बहुत कुछ लाइफ में बिगड़ा हुआ है, अभी कोई बैलेंस नहीं है ज़िंदगी में। तो डेफिनेटली ये फिक्र तो कर रहे हैं, टेंशन तो ले रहे हैं, बट अभी आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। बात इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये अगर आ गए ना आपसे बात करने के लिए तो फिर से आपको आपसे बात बंद हो सकती है, सेपरेशन में जा सकती हो। मतलब ये ना इनको ऐसा लगता है कि अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा पाऊँगा, या फिर वो जो एक होती है ना कि रिलेशनशिप को बहुत स्मूथली आगे लेके जाना, रोज़ बातें करना, इनको लगता है शायद ये रोज़ बात नहीं कर पाएंगे और फिर से हमारे बीच में वही मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। तो इनका ये कि जब जाएंगे तो एक बार में ही जाएंगे एकदम बैलेंस हो करके, ताकि उस रिश्ते में एफर्ट डाले जा सके। ओके, यस, यहाँ पर वाटर एलिमेंट का कार्ड है। अटैचमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। अटैचमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अटैचमेंट का कार्ड क्या बताता है? अटैचमेंट क्या होती है? किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाना, राइट? आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है कि इनको आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग लगाव है, जताते नहीं है क्योंकि एम्परर एनर्जी आई थी। और एम्परर एनर्जी क्या बताती है पता है? एम्परर एक मैस्कुलाइन एनर्जी है। मैस्कुलाइन एनर्जी का होता ये है कि उसको कितना दर्द हो रहा है, कितनी तकलीफ़ हो रही है, वो कितना अंदर से परेशान है, वो कभी किसी को नहीं बताता, शेयर नहीं करता है, ठीक है, अपने इमोशंस को शेयर नहीं करता, क्योंकि उस मैस्कुलाइन को लगता है कि मैं कमज़ोर दिखूंगा और वो अपने आप को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहता। और उसको लगता है कि अगर मैंने अपनी इमोशंस एक्सप्रेस कर दिए ना तो मेरे से बड़ा कमज़ोर इंसान कोई नहीं होगा, मेरे से ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं होगा। तो यस, आपके पार्टनर को ये बहुत अच्छे से क्लियरिटी है कि उनको आपके साथ एक ऐसी अटैचमेंट है कि वो आपको चाह करके भी नहीं छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली ये उनका माइंडसेट क्लियर है क्योंकि वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपकी फिक्र करते हैं, बेशक आपसे बात ना करें लेकिन फिर भी आप उनके दिमाग में हो। और ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि आप उनके लिए बहुत ख़ास हो, इम्पॉर्टेंट हो। एंड डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि जितना अच्छे से आप उनको संभाल सकते हो ना, मुझे नहीं लगता कि कोई और उनको इतना अच्छे से संभाल सकता। और ये चीज़ की भी क्लियरिटी आपके पार्टनर को है, वो जानते हैं इस बात को कि उतना अच्छे से कोई और संभाल नहीं सकता है। और आप ये कह सकते हो कि उनको पता है कि आप उनके लिए क्या क्या करते हो, ठीक है, उनको ये चीज़ का एहसास है, वो मानते हैं इस बात को, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ये एयर साइन का कार्ड है, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि। द थिंकिंग मैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स, थिंकिंग मैन को क्लैरिफाई कर रहे किंग ऑफ वॉन्स। द थिंकिंग मैन है, क्वीन ऑफ वॉन्स है। क्वीन ऑफ वॉन्स के मतलब ये जो है वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, नो डाउट। अभी आपको ये काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड काफ़ी बैलेंस्ड देख रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड ये जब भी आपकी फ़ोटो देखते हैं या जब भी आपका ख्याल आता है ना, पता है इनके दिल से क्या आता है? इनके दिल से आता है यही है वो,
क्योंकि नाइन ऑफ कप्स लाइक यू नो विश फुलफिलमेंट. नाइन ऑफ कप्स बताता है कि किसी पर्सन को देख करके लगना कि इसी के साथ जो मेरी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सकती हैं. तो ऑफकोर्स जब भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं या आपको जब भी देखते हैं या आपकी पिक्चर से आपको सोशल मीडिया पे जब भी देखते हैं वो फील करते हैं कि आप ही हो जो इनकी विश को पूरा कर सकते हो या फिर आप ही हो वो जो इनकी विश है. ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं. आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट मानते भी हैं, आपको एक एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पर्सन देखते हैं. ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते कि यस आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हो. ओके, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको एक स्ट्रांग पर्सनालिटी मानते हैं. अब एक और चीज़ है, आपके पार्टनर थोड़ा नेगेटिव भी आपके लिए सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स भी नेगेटिव से मेरा मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव है. मतलब उनको ऐसा लगता है आप एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो, एंड आपकी तरफ तो बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे एंड बहुत लोग ख्वाहिश रखते होंगे आपके साथ रिलेशनशिप में आने की. कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ चिल कर रहे हो या किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो या किसी और ने आपको अपना बना लिया है या आप किसी और से शादी कर लोगे तो फिर इनका क्या होगा. मतलब लाइक यू नो थोड़ा इस तरीके के विचारों में भी आपके पार्टनर जा रहे हैं. ठीक है, तो हाँ, एक तो चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पर पता चल गया कि आपके पार्टनर को ना आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लगते हो. लाइक यू नो वो आपको वैसा देखते हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो और कोई भी आपके साथ रहना चाहेगा. ठीक है, जिसको भी मौका मिलेगा वो तो मना ही नहीं करेगा आपके साथ रहने के लिए. एंजल ऑफ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. एंजल ऑफ लव यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. आपके पार्टनर आपकी तरफ खुद ब खुद लौट करके आएंगे. ठीक है, क्यों लौट करके आएंगे? क्योंकि आपके इतना दिल का साफ इंसान उनको नहीं मिलने वाला. सेकंड ऑफ ऑल एंजल्स ऑफ लव यानी कि एंजल जो हैं वो भी इस रिलेशनशिप में वर्क करेंगे और वो एंजल्स इनको लेकर के आएंगे. डेफिनेटली आप दोनों आओगे, वापस से आओगे. लेकिन यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स भी है. टेन ऑफ सोर्ड्स बताता है कि अभी शायद समय फेवरेबल नहीं चल रहा, बट डेफिनेटली आपके पर्सन आएंगे आपकी तरफ. और एक और चीज़ बता दूँ, ये जब आएंगे आपकी तरफ से मान के चलना कि बहुत सारा पेन होल्ड करके आएंगे अपने दिल में. पेन मतलब अपनी लाइफ में, मतलब जब उनको लगेगा ना कि अब कोई होप नहीं बची, अब कुछ नहीं बचा, देन इनको आपके अलावा कुछ नहीं दिखेगा. एंड डेफिनेटली ये एक आखिरी उम्मीद के तौर पर आपको देखेंगे और आपकी तरफ आएंगे. ठीक है, डोर टू स्प्रिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए. ओके, डोर टू स्प्रिट को क्लैरिफाई कर रहे हैं हमारा द लवर्स का कार्ड. एंड ये स्पिरिचुअल कनेक्शन को बताता है. आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है भाई, सोल टू सोल कनेक्शन. स्प्रिट का कार्ड और द लवर्स आ गया, क्या बोल सकती हूँ अब मैं. ऑफकोर्स आप दोनों या तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो, ट्विन भी हो सकते हो, बट एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन को ये कार्ड्स दर्शाते हैं. और ये कार्ड्स जैसे कि ये बताते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. जिस रिश्ते को ऊपर वाले ने बना दिया उस रिश्ते को आखिर कौन तोड़ सकता है. हर चीज़ का वक्त होता है और वक्त पे चीज़ें होती हैं, तो वक्त को भी थोड़ा वक्त दो. आपका जब वक्त आएगा आपके लिए चीज़ें वर्क करेंगी डेफिनेटली. मे बी इस रिलेशनशिप में रिकॉन्सिलेशन तय है, पहले से ही लिखा हुआ है और वो होके रहेगा, बट एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा. तब तक स्पिरिचुअल रहो. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो. स्पिरिचुअल रहने का मतलब है कि आपको शांत भी रहना है एंड ईश्वर के साथ जुड़ करके रहना है. अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ के रखना है आपने. ठीक है, वही है जो इस रिश्ते में चीज़ों को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है. क्योंकि ये कार्ड्स गाइडेंस भी यही देते हैं. ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज. ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग. आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो. रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में. पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन.